बता दें यूपी में अवैध धर्मांतरण का मामला, एटीएस ने 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग के सबूत जुटाए हैं। उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन के पास भेजी गई थी रकम। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन के पास भेजी गई थी रकम, इस्लामिक दावा सेंटर को 30 करोड़ की रकम मिली है। ये बड़ी खबर बता रहे सूत्रों के हवाले से, फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट को भी 30 करोड़ की रकम मिली, सलाउद्दीन को उमर गौतम ने 28 करोड़ भेजे थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कलीम को 22 करोड़ रुपए दुबई, तुर्की और अमेरिका से भेजे गए, 5 साल तक उमर गौतम की संस्था को पैसे मिले, 30 करोड़ की रकम का 60% हिस्सा ही धर्मांतरण पर खर्च हो पाया, वडोदरा के सलाउद्दीन की संस्था को भी 28 करोड़ की रकम मिली। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, 22 करोड़ की रकम अल हसन एजुकेशनल को भेजे गए। सूत्रों के हवाले से भी जानकारी आई है, प्रकाश कावड़े उर्फ एडम की संस्था को भी 57 करोड़ रुपए मिले हैं। हितेन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। हितेन, बड़ी बात यह है कि एटीएस ने जो सबूत जुटाए उससे पता चलता है तकरीबन 150 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। कैसे पैसे फंड किए गए, किन किन लोगों को दिए गए और इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये यूपी एटीएस ने जो धर्मांतरण का मामला खोला था उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एटीएस की जांच में अब ये निकल कर आया है कि किस संस्था को कितना पैसा मिला था। देखिए उस वक्त तो एटीएस ने बता दिया था कि करीब 100 से 150 करोड़ जितना विदेशी फंडिंग जो है इस पूरे धर्मांतरण वाले मामले में देश भर में आया हुआ है, लेकिन अब ये एटीएस के जांच में ये सब आ गया कि किसकी संस्था को कितने रुपए मिले और उसमें से कितने रुपए इस्तेमाल किए गए। अब और भी कड़ियाँ जो है, लिंक जो है एटीएस खोजने की तलाश कर रही है कि आखिरकार इसके अलावा और कौन कौन लोग इसके अंदर जुड़े हुए थे, और साथ ही साथ जिस तरह से टर्की, दुबई, यूके, यूएस इन सब देशों से जो पैसे भेजते थे वो कौन भिजवाता था, और इंडिया में एक बात तो तय है जिस तरह से रकम की बात सामने आ रही है, 28 करोड़ 30 करोड़ मतलब रकम काफी बड़ी है, मतलब काफी बड़े नाम भी इसके पीछे हो सकते हैं हितेन। निश्चित तौर पर ये जो पकड़े गए हैं अभी कुछ लोग, जो बड़ौदा वाला अगर सलाउद्दीन हो या फिर उमर हो या फिर यूपी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था यूपी एटीएस ने, वो ये तो सिर्फ छोटी मछलियां है, बड़ी मछली तक जो है यूपी एटीएस अब पहुंचने की तैयारी कर रही है। इन्हीं के जरिए जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है, इन्हीं के जरिए सीधे जो एक व्यक्ति जो उस विदेशी फंडिंग भिजवाने वाली संस्थाओं के संपर्क में इंडिया में था, उस एक व्यक्ति तक जो है यूपी एटीएस अब पहुँचना चाहती है, ताकि वो व्यक्ति अगर गिरफ्त में आता है तो सिर्फ यूपी, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि और कौन कौन से राज्यों में ये पूरा धर्मांतरण का खेल विदेशी फंडिंग का चल रहा था। कुछ दिनों में एटीएस ने कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी की हैं धर्मांतरण के मामले को लेकर, बार बार ये बात सामने आती रही कि हवाला के जरिए अच्छी खासी फंडिंग हुई है विदेशों से, और ये भी तय है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में एक सेल की तरह ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, एक नेक्सस की तरह काम कर रहा है। क्या आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे नामों का खुलासा हो सकता है जो चौंकाने वाले हो? बिल्कुल, देखिए अगर यूपीएटीएस के सूत्रों की माने तो कई लोगों को जो है अभी भी यूपीएटीएस के रडार पर है, जैसे ही अहम सबूत या दस्तावेज एटीएस के हाथ में लग जाते सीधे तौर पर उनकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से एटीएस जो है ऐसे कई तत्वों को रडार पर रखकर जो है उन पर लगातार नज़र रख रही है, उनकी मूवमेंट पर पल पल की नज़र जो है वो रखी जा रही है, क्योंकि ये जो तीन लोग गिरफ्तार हुए थे उन तीन लोगों ने कई ऐसे अहम खुलासे किए जिससे ये एक के बाद एक जो है बड़े खुलासे जो एटीएस करती जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यूपी एटीएस के सूत्र बता रहे और भी 10 से 12 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी होगी, और वो गिरफ्तारियों के बाद जो इस पूरे नेक्सस का जो है भंडाफोड़ जो है वो आसानी से हो पाएगा कि ये पूरा का पूरा एक सेल जो इंडिया में चल रहा था के विदेशी फंडिंग पर धर्मांतरण कराना, वो किन किन राज्यों में फैला हुआ था और आखिरकार इसका मुखिया इंडिया के अंदर कौन था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टेररिज्म इंडिया में चलता है, कितना पैसा आया है, किन किन राज्यों में आया है और धर्मांतरण को लेकर आगे क्या प्लानिंग है, अब एटीएस की कार्रवाई इस पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हितेन आपका तमाम अपडेट के लिए।